हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस जीके ट्रिक के अंतर्गत विटामिन के बारे में। विटामिन में कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, हम इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और विटामिन के जो रासायनिक नाम है उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। और जो भी पिछले साल विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो पहले आप ये जान लीजिए कि विटामिन होते क्या हैं। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई हमारी बॉडी को विटामिन से कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर की। और यह सभी जीवों को इसकी अल्प मात्रा की ही आवश्यकता होती है। यह रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह हमारे शरीर में स्वयं से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन के नाम है। इतने विटामिन होते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फंक ने की थी। ये आप याद रखिएगा, फंक कैसे भी करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि विटामिन की खोज फंक ने की थी। बहुत ही छोटा सा नाम है, आप आराम से भी ये नाम याद रख सकते हैं। और आप ये जान लीजिए आप कि विटामिन के कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो बी सी आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, सिर्फ आपको बी सी याद रखना है। बी सी, सिर्फ बी सी याद रखिए कि जो बी सी है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी जितने भी विटामिन आ जाते हैं वो सारे वसा में भी घुलनशील होते हैं, जैसे तेल वगैरह में। तो ये आप याद रखिएगा, ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, सिर्फ बी सी बी सी याद रख लीजिए बस विटामिन के अंतर्गत, और वो उसे जल से रिलेट कर दीजिए। अब आप ये जान लीजिए कि जो विटामिन होती है, विटामिन सी जो होती है वो हमें संतरे या खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है, और बाकी के जो विटामिन होते हैं वो हमें फल या सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बाकी विटामिन के बारे में मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। तो हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का है थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का है टोकोफेरॉल और विटामिन के का है फिलोक्विनोन। तो ये जो रासायनिक नाम है ये आसानी से याद नहीं होते, हम इसे भूल जाते हैं, तो मैं इसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। और इनसे होने वाले जो रोग हैं पहले वो देख लीजिए। विटामिन ए से हमें रतौंधी, इसे संक्रमण का खतरा होता है, ज़ीरोप्थैल्मिया होता है, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं वो भी होता है, और त्वचा इसमें शुष्क व सल्की होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और जो विटामिन सी होता है जो हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, इससे हमारे मसूड़ फूलते हैं, अस्थियों के चारों ओर स्राव होता है और स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और विटामिन डी जो हमें धूप से प्राप्त होता है, या रिकेट से इससे बीमारी होती है, और ऑस्टियो मलेशिया ये भी होता है। और ये जो टोकोफेराल है, विटामिन ई है, इससे जनन शक्ति का कम होना होता है, मतलब कि नपुंसकता होती है। और ये जो के है ये अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये रक्त का थक्का, इसकी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के ये आपने याद कर लिया। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस विटामिन की ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखनी है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। ऊपर मैंने एक ट्रिक लिखी है, आप वो देख लीजिए। ये जो ट्रिक है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेथ एक टॉफी खाया, आप यहाँ पर देख रहे हैं रे, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। विटामिन ए से मैंने रे लिया, था रेथ, रेथ एक नाम रख दीजिए, रेथ किसी व्यक्ति का नाम है, रेथ एक टॉफी खाया, एस्कॉर्बिक का ए ले लिया और कैल्सीफेरॉल का ले लिया और टोको का विटामिन ई का टो टा ले लिया और विटामिन के से फी ले लिया। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, रेथ एक टॉफी खाया, ये खाया साइलेंट है, ये याद रखिएगा, खाया साइलेंट है, बस आपको ये शब्द याद रखना है, ये लाइन रेथ एक टॉफी खाया, और ये एक तरफ से है, बीच में कोई साइलेंट शब्द नहीं है, इसलिए भी आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। रेथ एक टॉफी खाया, पहले रे आएगा फिर था आएगा, ए के टो फी। तो ये किस किस हिसाब से होता है, ए बी सी डी ई, बीच में डायरेक्ट इसके बाद ई के बाद के आता है, ये भी आप याद रखिएगा, और के
फी का है, फिलो किबनोन, तो ये आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी के बारे में जान लीजिए। विटामिन बी के अंतर्गत इतने विटामिन होते हैं, ये इसके प्रकार हैं। विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। बी टू का राइबोफ्लेविन होता है। बी थ्री का निकोटिनामाइड या इसे नियासिन भी कहते हैं। और विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनोइक अम्ल होते हैं, एसिड। और विटामिन बी सिक्स पॉयरीटॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटिन, विटामिन बी इलेवन फॉलिक अम्ल एसिड यानी, विटामिन बी बारह साइनो कोबालामिन। तो ये आपको याद हो गया होगा। और अब ये याद कैसे होगा, विटामिन के बारे में तो बता दिया मैंने कि रैथ एक टॉफी खाया, ए बी सी डी ई और के बारे में। अब ये विटामिन बी के लेके 12 तक ये कितने विटामिन हैं इसके अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से आते हैं। एक दो तीन चार नहीं होता है, पाँच आता है, छः सात आता है, यहाँ पे चार नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आठ नौ दस नहीं होता है, तीन ग्यारह बारह आता है, तो कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है। और ये जो ट्रिक है ये नंबर वाइज है, इसमें कोई भी शब्द साइलेंट नहीं है। थार निकट, थार मतलब ये आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में थार है, ये आपको पता होगा। तो जरा राजस्थान का जो थार है वहाँ से रिलेट करिए कि थार निकट पे फाफा फसा। अगर मान लीजिए कोई आया थार के पास में और वहाँ पे अगर वो चला गया तो वहाँ पे थार में आप जानते हैं पानी वानी कुछ मिलता नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी जाके फंस सकता है, और कुछ नहीं मिला तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं इसे कि थार निकट पे फाफा फसा, वहाँ पे कोई गया। पैपापा किसी का नाम रख दीजिए, पैपापा किसी का भी आपको एक साइलेंट नाम रखना है, पैपापा कोई भी नाम हो गया आप समझ सकते हैं। तो थार निकट पैपापा फसा, ये इसकी ट्रिक है, ये बस इतना याद रखिए। उसके बाद नंबर वाइज कौन कौन से आते हैं ये याद रखिए, और ऐसे रिलेट कर दीजिए। थायमिन से था, राइबोफ्लेविन से रा, बी थ्री का ये निकोटिनामाइड से हमने निकट लिया है, ये पूरा निकट निकोट से निकट ले लिया, ये पूरा बी थ्री है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है, ये बी वन हो गया, ये बी वन हो गया, ये बी टू हो गया, निकट से पूरा बी थ्री हो गया। पैपापा मतलब बी फाइव, बी सिक्स पा, बा मतलब बी सेवन, फा फसा से बी बी इलेवन और सा से बी ट्वेल्व। तो ये आप देख रहे हैं ट्रिक हमारी इसी तरह से है, और आपको ऐसे ही याद रखना है वरना ये याद नहीं होता। और इसे अक्सर हम बिना ट्रिक के माध्यम से याद करने में कन्फ्यूज़न हो जाता है, कौन कौन सा किसका रासायनिक नेम होता है हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है ऐसे ही ट्रिक से, थार निकट पैभाषा पैबाबा फंसा, और तो पहला क्या था, रैथ एक टॉफी खाया, ए बी सी डी के लिए रैथ एक टॉफी खाया, और बी के जो भी रासायनिक नाम है वो थार निकट पैबाबा फंसा। और ये हम जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में तो हम वहाँ भी ये ट्रिक आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज़ करनी है। अब ये जो पूरे ट्रिक हैं हम इसे एक एक साथ में देख लेते हैं। रैथ एक टॉफी खाया, रै का लिए ए है, जो बी है ये था के लिए है, और ये एक सी जो ए है वो सी विटामिन सी के लिए है, और जो का है कैल्सिफोरॉल डी के लिए है, जो टॉफी है टॉफी का है वो विटामिन ई के लिए है, और फी ये के लिए है विटामिन के लिए। और यहाँ पे याद रखना है ये जो खाया है ये साइलेंट है, बस इतनी सी ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। और ये विटामिन बी के जो भी टाइप हैं, विटामिन बी के अंतर्गत प्रकार है, उसकी ये ट्रिक है। था निकट पैबाबा फसा, बी वन बी टू बी थ्री, ये तो अभी भी बताया, फिर से देख लीजिए, बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी इलेवन बी ट्वेल्व, और ये निकट पूरा बी थ्री के लिए है, बाकी एक एक शब्द एक एक के लिए है, तो आपको ये याद रखना है। और ये बी सी क्या है, बी सी मतलब ऐसे याद कर लीजिए कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, मान लीजिए बी सी जो सी है, क्योंकि नींबू होता है आप नींबू पानी में घोलते हैं वो घुल जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नींबू पानी में घुल जाता है इसलिए वो विटामिन सी है और वो जल में घुलनशील है। और एक बी इतना बड़ा सा, इसके इतने टाइप हैं, ऐसे याद कर लीजिए जो बड़ा सा टाइप है वो जल में घुल जाता है, ऐसे कुछ भी करके ये बी सी करके आपको इतना याद रखना है कि ये जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ से इतनी सारी ट्रिक है, आपको ये सारी ट्रिक याद रखनी है। मैं आपको इससे जो भी क्वेश्चन रिलेट करूँगी तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये आपको सॉल्व कैसे करनी है। एक पॉइंट और आता है इसके अंतर्गत, जो बी ट्वेल्व है ये साइनोकोबालामिन, ये इसका रासायनिक नाम है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है, यहाँ से याद रख सकते हैं इसमें कोबा है तो इसलिए कोबाल्ट हो सकता है, कोबाल्ट इसी में पाया जाता होगा। अगर ऑप्शन में कुछ और दिया गया है लेकिन वहाँ पर आपको रासायनिक नाम नहीं याद होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये दिया जाएगा कि बी
B1, B2, B3 दिया जाएगा, B12 दिया जाएगा, उसमें रासायनिक नाम नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में आपके कि कौन सा रासायनिक नाम है, इसका क्या होता है। तो ये आपको ऐसे याद रखना होगा कि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बस इतने से टॉपिक याद रखना है। और इसके बाद अब ये जो टेस्ट है ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगी इस वीडियो का, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो इसका टेस्ट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि ये ट्रिक आपको यूज कैसे करनी है। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।